आर यू ऑल्सो फेसिंग चैलेंजेस इन टीचिंग योर चाइल्ड? क्या आपको अपने बच्चे को बेसिक प्री प्राइमरी कॉन्सेप्ट समझाने में मुश्किल हो रही है? प्री प्राइमरी कॉन्सेप्ट जैसे कलर्स, जैसे शेप्स, जैसे इन आउट? तो आज का वीडियो आपके लिए है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा, इट मे हेल्प यू अलॉट। Hi, welcome back to Sayam. Thank you for constantly watching our videos and sharing it with other people. आपका प्यार लगातार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट ऑडियो विजुअल लर्निंग, हाउ संयम गॉट हेल्प थ्रू ऑडियो विजुअल लर्निंग इन हिज प्री प्राइमरी ईयर्स, और कैसे ऑडियो विजुअल लर्निंग के थ्रू संयम बेसिक कॉन्सेप्ट समझने लगा और कनेक्ट करने लगा अपने एनवायरनमेंट की चीजों से। आज के वीडियो में हम इसी कॉन्वर्जेशन को आगे ले चलते हैं और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो संयम को हमने ऑडियो विजुअल लर्निंग के थ्रू सिखाए। कॉन्सेप्ट्स लाइक बिग स्मॉल, शेप्स, कलर्स, जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्री प्राइमरी लेवल पर, और इनिशियली हमें भी बहुत चैलेंजेस आ रहे थे संयम को सिखाने के लिए। तो इसके लिए हमने एक टूल डेवलप किया जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज जिस टूल की बात हम करने वाले हैं, उस टूल को हमने नाम दिया है एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। नाउ इसकी शुरुआत कहां से हुई? जब संयम ने आसपास की चीजों के साथ रिलेट करना शुरू किया ऑडियो विजुअल लर्निंग के, हमारा जो पहले मॉड्यूल की हमने बात की थी थिंग्स अराउंड अस, उसकी मदद से। तो उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि वो एक सिंगल शब्द को तो पहचान रहा था, ही वॉज एबल टू रिकोगनाइज वॉट इज एप्पल, ही वॉज एबल टू रिकोगनाइज वॉट इज अ किचन आइटम नेम, ही वॉज एबल टू रिकोगनाइज द व्हीकल्स नेम्स, बट वो सिंगल शब्द पे अटक गया था। सो द चैलेंज वॉज कि अब वो सिंगल शब्द से मीनिंगफुल टू वर्ड सेंटेंसेस, थ्री वर्ड सेंटेंसेस तक कैसे आए। तब हमने एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स नाम के इस टूल को क्रिएट किया, जिसमें हमने बेसिक प्री प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स जैसे कलर्स, शेप्स, बिग स्मॉल, इन आउट, थिन फैट, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को लेकर बिल्डअप करना शुरू किया। तो इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके अब संयम ने जो सिंगल वर्ड वोकैबुलरी बिल्डअप करी थी कि इसे एप्पल कहते हैं, इसे मैंगो कहते हैं, इसे ग्लास कहते हैं, इसे स्पून कहते हैं, उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दीज आर ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड, जहाँ पे हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं बिग स्मॉल, जहाँ पे हम शेप्स की बात कर रहे हैं, कलर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ही हैं जो किसी भी बच्चे को एक शब्द से लेकर दो शब्द, तीन शब्द के सेंटेंसेस तक लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे एप्पल पता है कि क्या होता है, कैसा दिखता है, नाउ वी कैन से दैट एप्पल इज रेड, दिस एप्पल इज बिगर, दिस इज स्मॉल, दिस एप्पल इज इन साइड द बॉक्स, दिस इज नाउ आउटसाइड द बॉक्स। तो बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हमें सुनने में भी लगेगा, लेकिन ये सारी चीजें बच्चे को सिंगल वर्ड से धीरे धीरे करके डबल वर्ड तक और फिर तीन वर्ड्स के सेंटेंसेस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस तक लेके जाते हैं। इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। आपको जब आप कंटेंट के अंदर जाएंगे एसेंशियल कॉन्सेप्ट के अंदर, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिखेंगे। कलर्स का सेक्शन अलग है, शेप्स का सेक्शन अलग है, बिग स्मॉल का सेक्शन अलग है। आपने सारे सेक्शंस पे एक साथ जंप नहीं करना है। पिक एनी वन सेक्शन, पहले बच्चे को उस एक सेक्शन पे मास्टरी करने दीजिए। हो सकता है उसमें एक दिन लगे, हो सकता है उसमें एक हफ्ता लगे, हो सकता है उसमें दो हफ्ते लगे, लेकिन इट विल वर्क बिकॉज इट वर्क विद आर्सन। धीरे धीरे करके जब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगे उसके अंदर, देन ओनली मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। इट्स अ स्लो प्रोसेस, आई एम टेलिंग यू। आपका मन करेगा कि मैं एक दिन में करा दूं सारी चीजें, खुद कर लूं, बहुत आसान है। इट्स इजी फॉर अस एज पेरेंट्स बिकॉज वी हैव सीन दैट स्टेज, वी आर ग्रोन अप नाउ। बट हमारे बच्चे के लिए ये एक छोटी सी चीज कि एप्पल रेड कलर का होता है, बनाना येलो कलर का होता है, ऑरेंज इज ऑरेंज, ये छोटी छोटी चीजों को रिलेट कर पाना, माइंड के अंदर वो कनेक्शंस बिल्डअप करना, इट विल टेक टाइम। सो डू नॉट हरी अप, एज आई सेड, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, धीरे धीरे एक एक कंटेंट, एक 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 टॉपिक को लेके चलिएगा। बेशक से उसमें आपको एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता लगता है, कोई बात नहीं, डू नॉट हरी अप।
नाउ जब संयम ने इन कॉन्सेप्ट्स को जोड़ना शुरू किया धीरे धीरे करके, उसने नाउन्स के साथ जो शब्द सीखे थे उसके साथ अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को लेकर एडजेक्टिव्स लगा के सेंटेंसेस को बनाना शुरू किया दो दो. हम पूछते थे संयम से, संयम व्हाट इज दिस, ही यूज्ड टू से एप्पल. देन वी से संयम व्हाट विच कलर इज इट, एप्पल रेड. सो दो शब्द मीनिंगफुल ऐड हो गए, इनसाइड आउटसाइड. एक बक्से के अंदर रखा एप्पल और फिर पूछा इनसाइड और आउटसाइड से, एप्पल इन एप्पल आउट. तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें करके उसने ग्रो करना शुरू किया. अब चैलेंज यहाँ पे एक ये भी आता था, बिकॉज हमारे बच्चों का अटेंशन स्पैन कम होता है, तो हर डेढ़ मिनट दो मिनट के बाद उसका मन करता था कि अब मैं उठ के भाग जाऊं. तो आप ध्यान से देखेंगे तो लर्निंग टू लाइफ टूल में, एज वी सेड इन द लास्ट वीडियो एज वेल, एक आइस ब्रेकिंग बटन है वो स्माइली की शेप का ऊपर कोने में. जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वहां पे इंटरैक्टिव गेम्स आते हैं, वीडियोस हैं, फन वीडियोस जो उसको पसंद है. जब हम वो उन वीडियोस को और उन गेम्स को उसके सामने लाते थे तो उसका वहां मन लग जाता था. ही यूज्ड टू कम बैक, ही वांटेड टू प्ले दोस. जब थोड़ी देर के लिए उसने वो खेल लिया, वापस से अगर उसी स्माइली के बटन पे आप प्रेस करेंगे तो आप जहां पे आपने स्टॉप किया था पढ़ाना, आप वहीं पे बिल्कुल वापस आएंगे. सो नाउ विदाउट एनी ब्रेक आप वापस कंटिन्यूएशन में पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं बच्चे के साथ. धीरे धीरे करके संयम को वो जो आइस ब्रेकिंग बटन है वो पसंद आने लगा, तो उसका सिटिंग बिहेवियर तो बढ़ा ही, उसका सिटिंग टाइम बढ़ा, और साथ साथ में अब जब उसका मन करता था उस बटन को देखने का, वहाँ पे गेम्स खेलने का, देन ही यूज टू पॉइंट टुवर्ड्स अ स्माइली एंड देन वी यूज टू प्ले द स्माइली. बट हम उसको कहते थे पहले ये फिनिश करो, लेट्स फिनिश दिस एक्टिविटी फर्स्ट और उसके बाद हम वो करेंगे. इट बिकेम अ वेरी गुड पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, इट बिकेम अ ABA टूल, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसमें पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट देके हम बच्चे को कोई चीज सिखाते हैं. एंड एज वी सेड अर्लियर ऑल्सो, जो भी कॉन्सेप्ट आप ऑडियो विजुअल लर्निंग के थ्रू अपने बच्चे को सिखा रहे हैं उसको आपने प्रैक्टिकली फिजिकल फॉर्म में रिपीट करें तो इट इज इवन मोर पावरफुल. बच्चा उसको और अच्छे से ग्रैस्प कर पाएगा और अच्छे से उसके साथ कनेक्ट कर पाएगा. लाइक If he has seen red apple or he has learned red color today, show him all the things around which are red in color, so that uska wo concept revise ho jayega, or the child will start relating that with the environment. And of course, never compare your child with any other child. You might have any other child in your house, around your house. और नेचुरली एक टेंडेंसी होती है कि अभी मेरा बच्चा 4 साल का हो गया है, ही डजंट नो दीज मैनी थिंग्स, या अदर चाइल्ड नोज, उसका कज़न हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, या नेबरहुड में कोई हो सकता है. बट नेवर डू दैट. योर चाइल्ड इज यूनिक एंड योर चाइल्ड इज प्रेशियस, सो डू नॉट अंडरमाइन हिज केपेबिलिटीज, डू नॉट underestimate his capabilities by comparing him or her with any other child. And give him or her the time that he needs to understand and learn the concept. Don't hurry up. This tool is specifically designed, for the understanding of our children. आप लोगों के बहुत से ऐसे कमेंट्स, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे स्पेसिफिक क्वेरीज हैं आपकी जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, एंड हम लोग चाहकर भी सारे कमेंट्स को समय पे रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. सो उसके लिए हमने एक तरीका निकाला है. वेरी सून वी विल बी कमिंग अप विद सम लाइव जूम सेशंस जहाँ पे हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, आप अपने क्वेरीज रेज कर सकते हैं और हम अपनी बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी में उन कंसर्न्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो बहुत जल्दी ही हम लाइव जूम सेशन का लिंक यूट्यूब चैनल पर भी दे देंगे एंड लर्निंग टू लाइफ वेबसाइट पर भी दे देंगे. लर्निंग टू लाइफ वेबसाइट अभी आप में से बहुत से लोगों को शायद नहीं पता है और या आपने विजिट नहीं किया है, डू विजिट दैट. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल दिया है. आपका प्यार और आपका सपोर्ट ही आपके बच्चे की प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसका साथ मत छोड़िए और उसका हाथ मत छोड़िए, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता. See you very soon in the next video with some more information, and thank you very much for all your love and support.
अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट है, देन प्लीज डू मैसेज अस, वील ट्राई आर बेस्ट टू क्रिएट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सी यू अगेन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.